हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और न्यू पार्टी हेयर स्टाइलिंग के साथ आ गया हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट और स्टाइलिश। आज हम दो फ्रंट वेरिएशन सीखने वाले हैं, यानी एक हेयर स्टाइलिंग दो फ्रंट होगा। तो इसको बहुत अच्छे से देखें आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है और पीछे एक पोनीटेल कर रहा हूँ। ये जो पोनीटेल कर रहा हूं ना, क्लाइंट को यही डिमांड है जब मुझे यहीं पे चाहिए, लो बंचे में चाहिए। अगर आपको साइड में चाहिए साइड में कर सकते हो, मिड में चाहिए मिड में कर सकते हो, लेफ्ट राइट कहीं पे भी पोनीटेल करके कहीं पे भी हेयर स्टाइलिंग आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कोई सा भी हेयर स्टाइलिंग का, आप कहीं से कहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को देखे मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो पोनीटेल किया था उसमें मैं सबसे पहले कर्ल्स कर रहा हूँ, और आज हम बहुत अच्छा एक फ्रंट वेरिएशन करने वाले हैं और उसके बाद हम बैक में भी काफी अच्छा हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्रिम्पिंग किया था और इनके बालों में हल्का सा पीछे बैक कॉम्बिंग करके और पफ लिया। पफ लेने के बाद मैं पिंचिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे हल्का सा यहाँ पे लेयर दिखाना है। तो मैं हल्का हल्का पिंचिंग करते हुए लेयर दिखा रहा हूँ। पहले आपने 90% नहीं खींचना है, आपने 50% खींचना है। 50% खींचने के बाद, जो पुलिंग टेक्निक में कर रहा हूँ, 50% पुली टेक्निक करने के बाद आपने इनको हेयर स्प्रे के साथ करना है। और आप अगर 100% खींच देंगे ना स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट जूरा पिन विदाउट हैंड से पुलिंग कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हमें पफ के ऊपर अगर पुलिंग टेक्निक करना होता है, तो हमें 50% खींचना होता है, 100% नहीं खींचना होता है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा इनका फ्रंट लग रहा है। और जब भी आप इस तरीके का हेयर स्टाइलिंग करें, तो आप कोशिश ये करें क्योंकि बालों में हल्का सा क्रिम्पिंग करें। क्रिम्पिंग करने से ये होता है जो हमारे हेयर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, वो मेरा पहला फ्रंट था, अब मैं सेकेंड लुक कर रहा हूँ। सेकेंड लुक में क्या किया, सेक्शन वही था ईयर टू ईयर, उसके बाद मैंने बीचों बीच टॉप ऑफ द हेड पे एक डी सेक्शन बनाया और उनकी मैंने बैक कॉम्बिंग कर रहा हूँ। बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने वहां पे पफ बनाया। पफ बनाने के बाद छोटा सा मैंने दोनों तरफ से सेंटर पार्टीशन करके मैंने इनको टकिंग कर दिया, जो मैंने अभी आपको फ्रंट दिखाना है। और जितने भी हेयर सामने से आए थे, उनका मैं बैक कॉम्बिंग करके एक यहाँ पे डोनट बना रहा हूँ। डोनट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनके हेयर में कर्ल्स बहुत कम हैं। अगर डोनट बनाऊंगा तो मेरे हेयर स्टाइलिंग काफी अच्छा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, जो भी बाल बचा हुआ था, जितने भी छोटे थे, उनका मैं डोनट बना रहा हूँ। डोनट बनाने के बाद जो भी मैंने पोनीटेल के अंदर कर्ल्स किया था, उनको यहाँ पे हैंग करूंगा और काफी अच्छे तरीके से मुझे इनको यहाँ पे सजाना है। आप देख सकते हैं, जो बाल बचा हुआ था पफ का, वो मैं बैक कॉम्बिंग करके डोनट बना दिया, और जो मैंने कर्ल्स किया था पोनीटेल वाले बालों को, उनको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हैंग कर रहा हूँ, जिससे कि काफी अच्छा लुक होने वाला है। तो आप बने रहे वीडियो पे और मैं यही बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने देखा एक हेयर स्टाइलिंग में हम बहुत तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इनके सबसे पहले फ्रंट में लेयर वाला हेयर स्टाइलिंग किया, जो क्लाइंट को समझ नहीं आया। तो वो कह रहे, नहीं मुझे जी चेंज करो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने वहां पे डी सेक्शन निकाला, उसकी हल्की सी बैक कॉम्बिंग की, एक छोटा सा पफ बनाया टॉप ऑफ द हेड पे, और मैंने सेंटर पार्टीशन करके दोनों तरफ डिवाइड करते हुए, ट्विस्टिंग करते हुए मैं बैक में ले आया। आप अभी आपको मैं फ्रंट दिखाने वाला हूं। जो पहले आपने फ्रंट देखा था वो बिल्कुल नहीं है, और अभी चेंज मैंने कर दिया उनका फ्रंट। तो जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आता है, तो हमें चेंज करना होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आए, जहां एक लुक में दो लुक हम कर सकते हैं। अभी क्या है, जो भी मैंने कर्ल्स बनाया था उनको हैंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर किसी के बाल शॉर्ट है और जो मैं हेयर स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए। इनका तो हेयर काफी ज्यादा था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा हेयर एक्सटेंशन की। तो
कर्ल्स किया, कर्ल्स करने के बाद जो बाल विदाउट उस जो फ्रंट से आ रहे थे उनकी मैंने बैक को अपनी करके डोनट शेप बना दिया। उसके बाद जो मैंने पोनीटेल की कर्ल्स किया था उनको मैं यहाँ पे हैंग कर रहा हूँ, और हैंग करने के बाद मैं अभी यहाँ पे फ्लावर लगाने वाला हूँ जिससे कि काफी अच्छा लुक आएगा। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा, ये देखिए जो पहले क्या था इनके फ्रंट में लेयरिंग था, अभी क्या है लेयरिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने सेंटर प्रोफाइल निकाला है, सेंटर पार्टीशन, और इनको बैक कॉम्बिंग करते हुए हल्का सा बाउंसी लुक देते हुए मैंने पॉप बना दिया। आप देख सकते हैं अभी जो इनका हेयर स्कैल्प दिख रहा है ना, वहां पे मैंने हेयर फाइबर लगा दिया। ये देखिए मैंने फ्लावर लगा दिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना स्टाइलिश दिख रहा है, पार्टी हेयर स्टाइल। तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइलिंग बना सकते हैं। एक हेयर स्टाइल में मैंने दो लुक किया, पहला लुक बहुत अच्छा था लेकिन